जल्दी जल्दी लोगों को बताया जाए, देखा बाबू सिंह गलत है, कानूनी तौर पर बाबू सिंह गलत है। किसका दबाव? तो बताने पर मैं पूरी इसकी दबाव तो क्या होता है, जिन लोगों के बेस्टेड इंटरेस्ट है उनके दबाव होते हैं, जिन लोगों के बेस्टेड इंटरेस्ट है उनके दबाव होते हैं। हमारे इस आंदोलन में यहाँ हम जो बैठे हैं इंसाफ करने के लिए, लोग अदालतों के धक्के खाते रहते हैं, मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। 30 जनवरी की डेट को कहा जी जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी तो शक पड़ता है ना, फिर शक पड़ता है और इसके पीछे क्या क्या है वो समझते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। आवाज आ गई? नहीं। तो हम एक हैं। आवाज दो। हम एक हैं। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे। आप जी को सुना, बाबू सिंह जी ने जमीन खरीदी थी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता है कि क्या था ये क्या नहीं था। आदमी जमीन खरीदता है सोचता कि भाई इंतकाल हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर पैसे दूंगा। इस आदमी की जमीन इसके नाम होगी, ये 20 साल से ऐसे बैठा है अपनी प्रॉपर्टी की, चलो जी मैंने जिंदगी में को काम किया है। मैं आज फिर डरता डरता बोल रहा हूँ, एक दिन इसके हक में बोला था तो डीसी साहब ने मेरी मलकीत रकबे पर जाके कब्जा कर दिया। अगर झूठ है ये देखो, इसी के साइन है, ये एडिशन डीसी साहब जैदा खान ने इसको बनाया, कमीशन का चेयरमैन इसने साइन किया है, ये सारा लिखा इसने। मैंने अपनी मलकीत रकबा से शमशान घाट को दिया, ड्रीमलैंड पार्क को दी, हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज में 5 किलोमीटर रास्ता फ्री दिया, क्योंकि है लैंडलॉर्ड तो दिया है, मगर इसने वो 4-5 किनाल जगह जो हमारी रहती थी मलकीत वो भी कब्जा करना शुरू कर दी। वो तो ले लेंगे, मलकीत है कहाँ जाएगी, लेकिन डरा रहा है, कहता है कि किसी को कह रहा था कि मैंने इसके जो वो दान वाला खेत है मैं उसको भी पानी डिक्लेयर करके कि ये वाटर बॉडी है उसको भी मैं तालाब डिक्लेयर कर दूंगा। ये इतनी नारकी थोड़ी है, इसने नहर में लोगों को दुकानें करा दी, लेकिन नहर रावी से चली उज तक और डुबकियां मारती चलती है, डुबकियां मार के किसी जगह हटा दिए, किसी जगह बनवा दिए। अरे भाई, अगर बिरला फैक्ट्री वाले तुम्हें पैसे देते हैं तालाब के लिए कालीबड़ी के, तुम वहां चीड़े लगाओ, वहां पानी नहीं खड़ा करो, चीड़े लगाओ। वो बाबूराम रतन चंद संसाद मोतीराम आरो गोविंद सर, उनकी जमीन उन्होंने बिरला फैक्ट्री वालों ने जबरदस्ती कब्जा किया, वो कभी तहसीलदार के पास, कभी डीसी के पास, कभी कमिश्नर के पास, कभी पंडित मगतराम के पास, उनकी जमीन के पैसे आज तक नहीं मिले, वो दर बदर हैं। इनको पैसे देते हैं, जिनकी जमीन है उनको देते ही नहीं, वो कभी स्टेडियम में पैसे देते हैं बिरला फैक्ट्री वाले, कभी इनके गेस्टों को, लेकिन ये है वो आगे देखो स्वच्छ भारत सारा घूम से भरा हुआ है, ये स्वच्छ भारत भरा हुआ है। तो मैं आज भी डरता डरता बोल रहा हूँ, इसके आगे पता नहीं मेरा क्या होना है। तो हम ये नहीं कहते कि अगर वो नजायज लोगों को रेडियो भरियाँ हटानी थी, हटा के सीएमओ को दफ्तर लगानी थी, किसी के कब्रिस्तान में किसी को क्या क्या बुलवा रहा है, जो चाहता है ये कर रहा है, ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। जब करता तो सबके साथ एक इंसाफ करता, मैं ये कह रहा हूँ कि बेइंसाफी है। जय तानाशाही। साथियों, मेरे किरदार का फैसला, मेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत डूबते डूबते। आदमी इस सभा में सभी मान योग आदर योग भी पहुंची है। आज जे एक ऐतिहासिक मास प्रोटेस्ट था जिसमें सभी लोगों ने अपनी सारी दीवारें तोड़कर एक लोक एकता के तहत, अवामी एकता के तहत इकट्ठे होकर ना इंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। और ये समय की जरूरत है, जिस किस्म का निजाम हम पर आप ठोसा गया है पिछले 4.5 साल से, और उस निजाम के जो अफसरशाही है, कहने
कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन में जे अफसरशाही सर्वेंट टू द पीपल है, लोगों की नौकर है, लेकिन जे तानाशाही इस तरह चला रही है जैसे जनता इसकी नौकर है। जे हमें खुद पहचानना पड़ेगा, जे हमें खुद जानना पड़ेगा क्या हम मालिक हैं और जे नौकर हैं, या जे मालिक हैं और हम नौकर हैं। होते उनके घरों से कुर्की की जाती कि आपने सरकारी जगहों का इस्तेमाल गलत किया है, लेकिन इन्होंने गलत काम किया। और मैं डीसी साहब को एक राय देना चाहूंगा जहां से कि आप खासकर गवर्नर रूल में जब डीसी एक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवार बन जाता है, उसकी सबसे पहले ड्यूटी होती है कि वो हर महीने पब्लिक की मीटिंग बुलाए और पब्लिक से बात वार्ता करे कि आपकी क्या तकलीफें हैं शहर में, गांव में क्या तकलीफें हैं। लेकिन जे डीसी साहब सिर्फ किसी पार्टी के किसी एक कटोरी से मिलते हैं, उनको चाय पिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उसे ही सलाह मशवरा करके लोगों पर हमला करवा देते हैं। अगर आप इतने कोर्ट के आर्डर के पाबंद थे तो जांच करो। हम जब आप नए आए थे तो मैं एक आपके पास एक मेमोरेंडम लेकर गया था, आपने बात नहीं की, आपका एटीट्यूड ऐसा था कि सामने आंखों से आंखें भी नहीं मिलाई थी और कागज उठाकर रख दिया। और आज तक 2012 से हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से ऑर्डर हुआ है कि तहसील हीरानगर और तहसील कठुआ में 1965 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जमीनें खरीदी थी बस्तियां बनाने की शेड्यूल कास्ट की, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन आज तक खाली नहीं करवा सकी। 2006 में मेरे नाम पर PIL लगी, 12 में उसका फैसला आ गया, उस फैसले की कॉपी इनको दी कि डीसी साहब सुना है आप बड़ी दौड़ करने वाले हो और बड़ी ईमानदारी से काम करने वाले हो तो वो जगह तो खाली करवा दो, वहां भी तो कानून कोई होता होगा, वहां भी तो कोई एनक्रोचमेंट हुई है, वो खाली नहीं करवा सके। आइए सर बताइए। आज हमारा मास प्रोटेस्ट धरना था जो 25 तारीख को हमने इसकी घोषणा करी थी। इस मास प्रोटेस्ट में तमाम बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग विचारधाराओं के रखने वाले लोग, अलग अलग जन संगठनों के लोग, पंच सरपंच, बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स, प्रोमिनेंट हस्तियां जो हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और सब ने एक आवाज़ में कहा है कि ये जो गलत हुआ है इसको वापस किया जाए, ये जो जिस गलत आर्डर के तहत हमारी ओनरशिप को कैंसिल किया गया है उस ऑर्डर को वापस लिया जाए। और सब लोगों ने जो है वो रिजेंटमेंट की है, जो लोगों पर अत्याचार हुए हैं, लोगों के अधिकारों पर छापा पड़ा है। अब जहाँ तक आपने पूछा है कि हम डिविजनल कमीशन कोर्ट में हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया है और उसकी 30 जनवरी को डेट है, एक एप्लीकेशन प्रशासन की तरफ से तहसीलदार के नाम से मूव हुई थी जिसमें उन्होंने गुजारिश करी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है इसलिए इसकी अर्ली सुनवाई हो, जिसके ऑब्जेक्शंस जो है वो हम कल देंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम जो है जो भी होगी आपको बता देंगे। तो ये मोमेंट हमारी जारी रहेगी, ये मोमेंट हमारी जारी रहेगी, ये मोमेंट हमारी जारी रहेगी कि इसी प्रकार से अगला मैं ऐलान करने वाला हूँ 15 जनवरी को हमारा अगला मास प्रोटेस्ट धरना इसी प्लेस पे होगा। हम पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे और पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और सारी जनता को मैं ये अपील बार बार कर रहा हूँ कि काइंडली आ जाइए, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है, ये आवाज़ आप सबकी आवाज़ है। जिस तरह से एप्लीकेशन दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, वो है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई है नहीं, आप सामने हैं, बताइए आप, हम जहाँ बैठे हैं पीसफुली, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ही नहीं है, पुलिस भी वापस चली गई है, कोई है ही नहीं हमारा वो, हम डेमोक्रेटिक और पीसफुल मेथड पर विश्वास करते हैं।
हम तोड़फोड़ पर विश्वास नहीं करते, हम अराजकता पर विश्वास नहीं करते, हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं। हम डेमोक्रेटिक जो हमें अधिकार मिले हैं, पीसफुल ढंग से हम अपनी आवाज़ को मजबूत तरीके से लॉजिक के साथ, रैशनैलिटी के साथ, और जो हमारे अधिकार हैं उसके बेसिस पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं उसके बेसिस पे हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हम चलेंगे। इसलिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना थी, ना है, ना होगी, हमारी तरफ से कभी नहीं होगी। थैंक यू।